सबसे पहले वांट टू नो कितने जूम कॉल्स, कितने व्हाट्सएप मैसेजेस, कितनी मीटिंग्स के बाद आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। दिक्कत हो रही है भाई, थोड़ा हट जाइए। नहीं, कोई भी अच्छी चीज बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बट इट ऑल बिकम्स वेरी इजियर एंड ऑल वर्थ इट जब आप ऐसी टीम के साथ काम कर रहे हो। ऑब्वियसली कुणाल सना इनका रंग रूअल जिगर Jackie Bhai, who produced the song, Eric, who's mixed and mastered the song, Vaibhav and Mega from Victor Tango Entertainment, who produced the song. मतलब शूट भी कर रहे थे तब उदयपुर में शूट कर रहे थे, पर बारिश हो गई, और कोई होता तो सोचता रहे बारिश बंद हो गई, अब क्या करेंगे, बट दे लेवरेज दैट अपॉर्चुनिटी और एक लुक निकल के आया है वीडियो का, इट्स फैंटास्टिक। आई थिंक क्रेडिट टू द होल टीम हुज गेट एंड फैंटास्टिक सॉन्ग। बारिश की बात की, बारिश ओरिजिनल जावेद मोहसिन, ये पार्टनरशिप तो है आप लोग की, आई थिंक तीन चार ब्लॉकबस्टर गाने थे उसमें दो रिलेटेड टू बारिश है ना जावेद भाई, सबसे पहले इस पार्टनरशिप की बात कीजिए। जब भी कॉल आता है यूनिवर्सल वायरल से, आप सीधा आप बोलते हैं चलो लेट्स डू दिस सॉन्ग। ये पार्टनरशिप ऐसी है, हमारा पिछला गाना था रियालम जो बहुत बड़ा हिट हुआ, या मैं जावेद और मोहसिन से कहता रहता हूं कि आप सबके साथ काम करें, बहुत अच्छा काम करें, खूब काम करें, पर जो आपके सबसे बड़े गाने होंगे वो हमारे साथ ही होंगे। तो सर डिस्काउंट पैकेज भी रखा है क्या 10 सॉन्ग्स का? नहीं डिस्काउंट नहीं है, एक्स्ट्रा मिलता है। जावेद भाई पहले तो पार्टनरशिप की बात करेंगे। देखिए मैं जब भी हमारा लॉन्च होता है या मैं यूनिवर्सल से जब ऑफिस में जाते हैं, जब बात करते हैं, मैं हमेशा से एक चीज बोलना चाहता हूँ और बोलता रहा हूँ और आज भी बोलना चाहूंगा, कौन सा चाहते हैं ये यूनिवर्सल वायरल फुल टीम जो इज्जत देते हैं यूनिवर्सल और वायरल वाले और भाई एंड द एंटायर टीम, सबका नाम ही इंक्लूडेड, आप समझ लीजिए सबका नाम ले लो, जो इज्जत देते हैं और जो इंकरेजमेंट करते हैं और वही जो खूबसूरत माहौल होता है उसकी वजह से खूबसूरत गाने बन जाते हैं। एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। आप ये देख लीजिए ना यहाँ पे जावेद मोहसिन ये हर गाने में यूनिवर्सल वाले वायरल वाले ये डालते हैं और मैं आज तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तो एनकरेजमेंट जब मिलता है, इज्जत मिलती है, तो काम तो खूबसूरत होता ही होता है और यू कैन सी द ट्रैक रिकॉर्ड दैट वी हैव डन विद देम एंड पर्टिकुलरली अबाउट दिस सॉन्ग। ओके we and Sana have been talking from last 2016 Sana? Yeah. आठ साल से बहुत लंबी लंबी बात चल रही कि वायरल गाना करना है, ये कुछ करना है और आज देखिए और ये हमारे लिए बहुत बड़ी यू नो बहुत प्राउड मोमेंट है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ नुसरत साहब। ओके अगर मेरा व्हाट्सएप का डीपी देखेंगे 2012 से तो सिर्फ नुसरत साहब का फोटो है उसमें। तो आज ये नाम साथ में आना ये बस ये समझिए माँ बाप का आशीर्वाद है। ये काम हमको करने के लिए मिला। एट द सेम टाइम रिहाल के बारे में भी बता दूं मैं, क्योंकि रिहाल भी बचपन से हमारा फेवरेट गाना रहा है, आज भी रेडियो में चलता है सर, एवरी रेडियो स्टेशन इज प्लेइंग दैट सॉन्ग। मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मीकांत पैरालाइज जी। तो और मेरे वालिद साहब शराफत अली खान was a very very famous tabla player and he had played in that song. So life comes in full circle. So it was a big responsibility for us ke ye gaane ko aur behtareen banaye aur main samajhta hu ye duaon ka hi asar hai jo aaj hum log yahan pe khade hain aur bas tumhare ka karam hai humko itni izzat mili hai kya baat and I wish that ye gaana bhi usi unchai bulandi pe pahunche. absolutely 100% जावेद भाई ने तो बता दिया आपका व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर क्या, आपका क्या है सर? मेरा कोई पिक्चर ही नहीं है। ये लगा लो सही वाला, अभी ये लगा लो। यू नो कितना प्रेशर होता है टू रिक्रिएट अ सॉन्ग, यू नो कि एक लेजेंड का गाना है,
बिकॉज सबसे पहले तो आप अगर देखेंगे जो भी गाने रिक्रिएट होते हैं ना, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले यही आ जाता है कि यार अच्छा किया बुरा किया, तो एक प्रेशर तो रहता है एज ए कंपोजर। ये एक रिक्रिएशन जब आता है तो ये बहुत बड़ा टास्क रहता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोग रिक्रिएशन सोच के नहीं करते, बट कोई कोई चीज़ें ऐसी रहती है, कोई कोई गाना ऐसा रहता है कि हम लोग जब सुनते हैं तो हमको लगता है कि नहीं नहीं ये गाना को हम थोड़ा सा और खूबसूरत बना सकते हैं, ये ऑलरेडी खूबसूरत गाना है, इसको हम और खूबसूरत बना सकते हैं। और रही बात कहना गलत गलत की, जैसे जावेद भाई ने कहा कि हम लोग ने बचपन से ही हम नुसरत साहब को सुनते आए हैं और इतने बड़े फ़ैन हैं और उनके हर गाने के हम दीवाने हैं। एंड वेन वी गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यूनिवर्सल वायरल दैट वी हैव टू रिक्रिएट दिस सॉन्ग, तो हमको लगा कि ये गाना हम हमारे स्टाइल से अगर बनाएंगे तो कैसा रहेगा, तो फिर हमने कोशिश करी और फिर उसको कुणाल वर्मा ने बहुत अच्छा लिखा है गाना और इतना खूबसूरत गाना लिखा है उन्होंने। और एक नुसरत साहब की जो कंपोजिशन है और जो उनका एक गाने की चलत है उसको मेंटेन करते हुए हमने गाने को बनाया। बहुत प्रेशर था ये गाने के अंदर कुणाल के ऊपर भी हमारे ऊपर भी कि ये गाने के साथ इंसाफ किस तरह की, तो ऑलरेडी लेजेंडरी गाना है इसीलिए तो। और सबसे बड़ी बात ज्योति नूरन जी ने जो गाया है गाने को इतना कमाल गाया है, इतना कमाल गाया है, मुझे ऐसा लगता है अगर नुसरत साहब के बाद में किसी ने अगर इस गाने के साथ में जस्टिस किया है तो वो है ज्योति नूरन। इतने बड़े लेवल पर गाया है, उनकी आवाज़ की वजह से गाना और ज़्यादा खूबसूरत बन गया है। I want to thank the entire team of Universal Viral, Sana and Karan. I want to congratulate Karan also for Khatron ke Khiladi. इतने अच्छे तरीके से निभाया है करण ने, सना ने। सना तो मशीन, अब मैं बोलूंगा कि 2016 से बात चल रही है। क्या था फर्स्ट व्हाट्सएप मैसेज देखना चाहिए एक्चुअली। सो जब हमने जिहाल किया था तो फर्स्ट टाइम जो हमको ऐसा हुआ कि कौन होना चाहिए इसमें, तो हमने सना को फोन किया और सना उस टाइम पर शी डजंट वांटेड टू डू सिंगल, तो सना ने बोला यस भाई आप प्लीज भेज दीजिए गाना 100% मैं सुन लेती हूँ, बस कहना। सना ने रिप्लाई नहीं किया। ओ गॉड, घोस्ट किया आपने। तो यही है, गाने को खूबसूरत बनाने के लिए हम सबने बहुत मेहनत करी है, यूनिवर्सल के एंटायर टीम, गौरव भाई, शानूजी, देवराज सान्याल, साजिद भाई, नीरज, पृथ्वी, राहुल, इतनी सब लोग ने हमको सपोर्ट किया है और इतना हमारे ऊपर भरोसा किया है ये गाने को रिक्रिएट करने के लिए। और अब देखिए लोग बाबू कैसा पसंद आता है। समय इस गाने में इमोशन का भंडार है, शुरू होता है क्यूटनेस से, फिर थोड़ा रोमांटिक, फिर थोड़ा सैड, फिर थोड़ा गुस्सा, फिर थोड़ा रिवेंज, ये 4 मिनट में सारे इमोशन दिखा दिए आपने। तो बस आज की नारी दिखानी है। से जो कॉन्सेप्ट था पूरे सॉन्ग का, आई थिंक आई वांट टू जस्टिस, सो दैट्स व्हाई वी केप्ट इट, जैसा आपने बोला स्लो, ऊपर 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 एंड देन इन द एंड ब्लैक, सो आज की नारी सब पे भारी। एब्सोल्युटली। एंड ऑफ कोर्स नुसरत फतेह का गाना है रिक्रिएट हुआ है, तो कोई दमदार वॉइस चाहिए थी जो कि डांस वॉइस हैज दैट दमदार नाइस सॉन्ग एंड थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर, थैंक यू पृथ्वी एंड होल वायरल टीम, थैंक यू एवरीबॉडी, आज आप लोग आए विक्टर टैंगो, थैंक यू मेघा फॉर सजेस्टिंग माय नेम, एक्चुअली मेघा की दिमाग में आई। ओह क्या बात है, मेघा को रेगुलरली रिप्लाई जा रहा है व्हाट्सएप पे। But thank you to the entire team and I think we dekhte hai ki audience ko kaisa acha lagta hai, fans ko kaisa lagta hai, so bas we are hoping for the best. Okay Karma, ye look was for this song, यार ये हो गया इसके लिए। अच्छा बैट तो परफेक्टली रहा है इसका, बैट तो गया, मैं तो डरा हुआ था कि अंदर को निकाल ही ना दे, इतने छोटे बाल करके आ गया, ये थोड़ी ना चाहिए हमें।
बट जावेद भाई अभी इज्जत की बात कर रहे थे, इज्जत तो बहुत मिलती है, जब इज्जत नहीं मिलती तो आपने वीडियो में देख लिया क्या होता है। मैं इस म्यूजिक यू नो सिंगल्स की दुनिया में नया हूँ, अभी तक काफ़ी आए थे ऑफर, बट कभी भी ऐसा कुछ नहीं था जिसका कोई स्टोरी सुनने को मिले और ऐसा कुछ हो रहा हो। लॉन्ग बैक डायरेक्टर्स और नाम का हम कितनी बार सुन चुके हैं सबका, जावेद भाई मोहसिन भाई इधर हैं, ज्योति नूरान जी हैं, तो क्या बोलूं मैं, तो इसके अंदर तो मतलब ऐसा था कि मैं तो आंखें बंद कर पैसे दे के आता था, उन्होंने तो पैसे दिए हैं मुझे, पहले पता होता तो इन लोग ऑफर ही करते थे, तो वो 10 गानों का जो कर रहे थे मेरी तरफ से भी बोल दो, पैकेजिंग करा लो मेरी, सो थैंक यू सो मच। एंड आई ऑलवेज से दैट एक्टर इज जस्ट अ स्क्रैम इन द पेंट ब्रश ऑफ पेंटिंग, इतने लोग जुड़े होते हैं साथ में, तो ये तो कैनवस ही इतना अच्छा था एंड कलर जो पेंट तो आपने दीजिए और जो चार चांद सरा जी ने लगाया है उसको, वाह थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, आपने भी चांद चांद लगाया, वो तो आपके साथ रह के हो गया बस, हैशटैग म्यूचुअल एडमिरेशन, बस थैंक यू, लाइट्स ऑफ, दोनों गुड टाइम है, बेटर ना यार, दोनों विनर्स हैं, इससे ज्यादा परफेक्ट टाइमिंग हो नहीं सकती थी, स्टार्स वर अलाइंड, नहीं आई मीन रिस्पेक्ट ऑफ देम मीनिंग वी वुड हैव वर्क विद देम बिकॉज़ दे आर फैंटास्टिक एक्टर्स, देयर कमिटमेंट टू द क्राफ्ट, लाइक हम लोग शूट कर रहे थे सना उससे पहले बाहर से शूट करके हैं थी इमीडिएटली, बट ये नहीं कि मुझे ब्रेक चाहिए दो दिन चार दिन बाद, शी लैंडेड अप ऑन द सेट इमीडिएटली, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट करंट डिड इम्प्रॉम्प्टू व्हिच फॉर रीजंस वी हैवंट बीन एबल टू शो इन द एडिट, मतलब एक वो वाटर फाउंटेन था वहाँ जाके मुंह में डाल के ऐसे पानी तक लिया, मतलब मैं था नहीं शूट में, मुझे टीम ने बताया, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे, जॉन्डिस वगैरह ना हो जाए, तो बट फैंटास्टिक कमिटमेंट फ्रॉम बोथ एंड इट शोस द वे दे लुकिंग द वे दे परफॉर्म द एंटायर लुक ऑफ द वीडियो, इट जस्ट कम आउट सो वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर द, थैंक यू गाइस, थैंक यू, लव यू बाय, क्वेश्चन पैकेज डील के लिए बंदे की बात पहले, ऑलराइट बिफोर आई थ्रो द डाइस टू जनता वाइट फॉर पीपल टू आस्क, फरमाइश चाहिए कि इस गाने का कुछ अगर हुक स्टेप आप बना पाए आप दोनों तो क्या होगा, तो इंस्टा पे सब लोग फॉलो करें, वो कुछ नहीं है इसमें, बस वो ये एंड वाला थोड़ी कर सकते हैं वापस हुक स्टेप है, बट इन केस इफ यू वांट टू डू समथिंग गाना चलाते हैं, लेट्स सी नेचुरली क्या ऑर्गेनिकली क्रिएट होंगे, हां सना एंड करण का चाहिए हुक स्टेप तो बनता है, बात तो सही है, बात तो सही है, एक तो हां चलो गाना लगाया जाए, विल हैव अ हुक स्टेप राइट नाउ लाइव क्रिएटेड, ये दुर्गेश पीछे वो यस पुतिवारी जी जी। सारे मीडिया वाले थैंक यू, आपको मैं बोलना चाहूंगा ये वीडियो वायरल हो सकता है, तिवारी जी थोड़ा आगे पीछे फोकस नहीं आ रहा है, आधा घंटा बहुत पारी मिलेगा, अब फ्रेम में आ रहे हो, यार फ्रेम में आ रहे हैं, चलिए लेट्स हैव द सॉन्ग, चलिए चलिए वाह फर्स्ट टाइम गाइस कुछ नया हो रहा है, जोरदार तालियां फॉर करण एंड सना गाइस, तालियां तो मार दो बहुत है, so much guys, Javed bhai, Mohsin bhai, Gaurav, please come on stage.
request everybody jinko kuch puchna hai anybody can come forward like once more ke liye 25 se nahi nahi yaar hi Sana, how are you? You look so मार तो नहीं सकती बट हाँ छोड़ जरूर सकती हूँ मारूंगी तो नहीं बट छोड़ तो दूंगी वो मरने से ज्यादा चुभेगा दूसरा सवाल ये है कि व्हाट इज योर लव लैंग्वेज लाइक इसमें तो अलग लव है क्या आप दोनों से मैंने पूछा है टच फील फील केमिस्ट्री बायोलॉजी फोटोग्राफी अरे अरे थैंक यू सो मच थैंक यू हेलो सना हाय करण फर्स्ट ऑफ ऑल अजय आपने किया है कि आपने कंज्यूमिंग लिंकर बहुत सारा सच में किया था कि ऐसे एक्ट किया है आपने इसमें तो नहीं पी पाया मैं क्योंकि सेट पे होता हूँ तो आई अवॉइड बट वैसे लाइफ में बहुत पिया है मैंने तो मुझे पता है मैं पी के क्या करता हूँ इन्फ्लुएंस थे मतलब पर्सनल लाइफ से मैं सॉरी इन्फ्लुएंस थे मतलब थोड़ा सा सो व्हेन आई प्ले अ कैरेक्टर आई डोंट जज इट ओके मैं तो उसके साथ हूँ ना तो जो कर रहा है ठीक कर रहा है अपने हिसाब से तो वैसा है पी रहा है तो पी रहा है मतलब देयर आर पीपल लाइक दिस सो वी आर पोर्ट्रेइंग सम पीपल एग्जैक्टली नॉट दैट आई बैक इट और आई एंडोर्स इट ठीक है ओके थैंक यू सो नेक्स्ट क्वेश्चन सना आपने लास्ट में जो मतलब गोली मारी एंड यू आर शोइंग द वुमेन एम्पावरमेंट और भी दुर्गा पूजा आने वाला है सो थिंक काइंड ऑफ और भी ये कल महालया है एंड यू लाइक आज लॉन्च हो रहा है तो काइंड ऑफ वो फीलिंग लेके आए थे कि नहीं अभी हमारे साथ कोई चीट करेगा तो एकदम ऐसा बन जाएगा कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस था कि ये टाइम भी आ रहा है नहीं नहीं मेरे लिए इन्फ्लुएंस था बट इट्स अ मैसेज आउट टू एवरीबॉडी दैट यू नो एज अ वुमन हम बहुत सहन शक्ति जो हमारी होती है ना बहुत होती है बट टू अ लिमिट इट्स टाइम टू गिव बैक राइट सो अगर आप वीडियो में भी देखेंगे तो वो बहुत सहमी सी है यू नो शी इज ट्राइंग टू कोप अप विद एवरीथिंग बट जब उसके बारे में बात आती है तो शी डजंट हेजिटेट या शी हैज टू टेक दैट स्टेप सो यस इट इज वुमेन एम्पावरमेंट यस इट इज आप रहती तो क्या करती हैं एग्जैक्टली मैं भी सेम करती हूं थैंक यू सो या सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों से कैसा एक्सपीरियंस रहा साथ में और आगे भी क्या साथ में करण को तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ मैं मैसेजेस 2015 से कर रहा हूँ थैंक यू सो मच मेरे को भी ऐसी कर देती है जवाब नहीं देती थी मेरे को म्यूजिक वीडियो में पकड़ना पड़ा इसे ऐसी कोई बात नहीं बट इट वाज फन इट वाज लवली यस ऑफ कोर्स सर आई मी गो लॉन्ग वे काम पहली बार किया ना साथ में बट कॉमन फ्रेंड्स के जरिए वी वर ऑलवेज दिस एनर्जी कई बार कनेक्ट कर जाती है सो वी जस्ट कैन इवन हैव टू रिवर्स हम सेट पे आए एंड वी वर जस्ट एंड थैंक यू पीछे आपके पीछे एक है पीछे पीछे ओके इधर इधर थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉन्ग फर्स्ट सूफी काइंड ऑफ लग रहा है क्या इन्फ्लुएंस है मतलब सिंगिंग में तो उसके बारे में कुछ बताइए मतलब जैसे सूफी रहता है ना संत या सिंगिंग आई थिंक मजार्स एंड ऑल तो उससे इन्फ्लुएंस है क्या सूफी काइंड ऑफ सॉन्ग गाने का फील बिल्कुल सूफी है और जो नुसरत साहब की जो गजल है ये भी सूफी गजल ही है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने वो हल्का सा एसेंस रखा है उसके अंदर और गाना बनाया तो आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा सूफी फील है एग्जैक्टली दैट्स व्हाई इट्स लुक वेरी क्लासिक आल्सो यस हाय एवरीवन शाबना दिस साइड फ्रॉम टीवी मसाला मेरा सवाल सबसे पहले जावेद मोहसिन से है बिकॉज आप लोग दोनों का
टाइप यूनिवर्सल और वायरल के साथ में काफी लंबे समय से हैं और हम आप लोगों का गाना पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं. हाउ डू यू गाइज मैनेज टू ब्रिंग दैट फ्रेशनेस और न्यूनेस, कैसे हर बार लेकर आने के लिए मैनेज करते हैं? हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी गाना हम करें वो गाना बहुत लाइक लोग को पसंद आए, और वो गाने में हर गाने में ना हम अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं. जैसे कि कहना गलत है तो एक रिक्रिएशन है, सांप की रिक्रिएशन है, तो उसको हमने एक अलग तरीके से एक अपने अंदाज में वो गाने को बनाया है. और ज्योति नूरन जी ने गाया है और कुणाल वर्मा ने लिखा है, तो हमने कोशिश ये करी है कि गाना ऐसा बने कि आज के लोग बाबों को भी पसंद आए. ये एक पुराने टाइम के लोग बाबों का फेवरेट गाना है और आज के जो नई जनरेशन हमारी सुने तो उनको ज़्यादा पसंद आए, तो हमने कोशिश करी है. और हमेशा जब भी हम यूनिवर्सल वायरल के साथ में काम करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमारा हर गाना एक नया और एक फ्रेश साउंड. क्या होता है कि व्हेन यू आर रीक्रिएटिंग अ क्लासिक, इनफैक्ट हमारा एक दूसरा क्लासिक ओरिजिनल्स तो हम लोग करते हैं, एक रीक्रिएशन है, तो उसमें जिम्मेदारी बड़ी बढ़ जाती है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जब हमने जिहाल मिस्की किया तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर मालूम हुआ, और मोहसिन ने मुझे उसके कुछ कमेंट्स बताए, तो उसके अंदर आया था कि भाई पुराना वाला तो अच्छा था ही, लेकिन नया वाला भी 19 नहीं है. एग्जैक्टली ये कमेंट मोहसिन ने मुझे भेजा. तो नई जनरेशन को पुरानी चीज़ों से वाकिफ करवाना और एक नए अंदाज के अंदर, वो बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है. एंड आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव डन इट वेल एंड पीपल आर लविंग इट एंड द सॉन्ग इज ऑलरेडी कैचिंग ऑन. एंड ऑफ कोर्स करण एंड सना आर देयर एंड द एंटायर टीम, आप सब लोग हैं, वायरल सब लोग हैं, सर इट्स गोना वी गॉट हाई होप्स फ्रॉम दिस सॉन्ग. करण एंड सना हमारे सामने दो विनर्स खड़े हैं दोनों ही अलग अलग शोज के, बट वॉट इज दैट वन क्वालिटी जो आप दोनों में मैच करती है, बिकॉज आप दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो कौन सी क्वालिटी मैच करती है आपने? लव, डेडिकेशन टुवर्ड्स लव, दोनों आई थिंक थोड़े जिंदा दिल टाइप हैं, और थोड़ा सा एक जैसे आप स्पार्क देखते हो ना सना में, तो वो बहुत कंटेजियस है. तो आई थिंक जब हम दोनों साथ में आ जाते हैं देखते, तो एज इट इज आग लगी जाती है. Who doesn't want more? No, but I think preparation ki baat kare to me as a person, I'm very fun and very bubbly and very energetic. Where in the whole video, if you see, mujhe ekdum sehmi thi, shant, masoom. Kaise main bolu? Matlab, you know, I had to be that which I feel I'm not. To ye preparation mujhe thoda apne aap ko aise andar dena pada ki koi bhi that. Abhi bhi aapki shaadi hui hai. How would you behave? You know, हालांकि मैं ऐसे बिहेव नहीं करूंगी, बट कमाल आपने. थैंक यू. एंड यस, एंड यू नो करण बीइंग माय को-एक्टर, उन्होंने भी मुझे कहीं हद तक बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया. लाइक एवरी सीन कुछ होता था ना तो वो मुझे बोलते थे इसको ऐसे कर, ऐसा शायद अच्छा लगेगा. तो आई थिंक एक सपोर्टिव को-एक्टर होना एंड देन ही इज गाइडिंग यू, इट्स ऑलवेज नाइस. द आउटकम इज वेरी नाइस.
रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल, सोना भी मेरे लिए है, देखने वाला इंसान जब होता है ना सामने वो बोलता रहता है कि ऐसे अच्छा लग रहा होगा, तो हम दोनों ने एक दूसरे के लिए वो किया. एंड ऑफ कोर्स आई डिड नॉट मेंशन जिगर एंड ध्रुव लाइक द डायरेक्टर्स हैं, दे वर देयर विजन वाज सो क्लियर. एंड टू आंसर योर फर्स्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट, ऑफ कोर्स प्रीक्वल सीक्वल सब करना चाहेंगे, मैं तो 10 वीडियो की अपील करके जाएंगे ऐसा. And talk about the feel, the film feel, it's I think entirely the team that had come together, they had so much faith in this. और जहाँ हमने shoot किया, it's a very expensive and very lavish place. और जो costumes हैं वो पहनने के बाद एक अपने आप से एक we were in part of history, 400 साल पुराना fort है वो, which is converted into a hotel or kind of a thing. तो वहाँ पे रात को वॉक करना एक अपने आप में एक वो था कि यार यहाँ पे 400 साल पहले कोई राजा था, कोई रानी थी जिसपे बग्घी में जाती थी, सिपाही थे. सो दैट दिस वाज वेरी सुरियल एक्सपीरियंस. तो आई थिंक वो लोकेशन, वो कॉस्ट्यूम, वो सब अपने आप एक कैरेक्टर के अंदर कैरी कर लिया मुझे लगता है. है ना, when you create something which is so unique and so beautiful and there's so much of responsibility because it's a recreation. जब आप फाइनल आउटपुट आज यूनी वाचिंग इट पब्लिकली, आप दोनों के क्या इमोशंस हैं? क्योंकि मैंने चश्मा इसीलिए पहन रखा है क्योंकि मेरी आंखें नम हो गई हैं और लाइट भी बहुत है सामने से. बिल्कुल यही रीजन है. देखिए इस चकाचौन से नहीं चलेंगे आप, साथ बनाए रखिए, अभी बहुत लंबा चलेंगे. बट मजाक के अलावा आज जैसे मैंने शुरुआत करी है, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि मोहब्बत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और ये मोहब्बत का एक इजहार का गाना है. और सबसे बड़ी बात जो नाम साथ में जुड़ा हुआ है वही एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. एंड ऑफकोर्स वी आर वेरी इमोशनल. आउटकम भी बहुत अच्छा लग रहा है. फोन साइलेंट पे करके रखा है, बहुत रिंग हो रहा है एंड लोगों को पसंद आ रहा है. इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ सुपर सुपर हिट. थैंक यू. सबसे पहले मैं ये बोलूंगा ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए पारुल है. गाइस पारुल इज हैंडलिंग द एंटायर मीडिया एंड इतनी अच्छे से ये अरेंज करती है और इतना अच्छा से काम करती है. वी नो पारुल सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो एक जोरदार तालियां हो जाए पारुल के लिए. अच्छा गाइस थैंक यू सो मच, ये गाने को आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग. आई डोंट वांट टू थैंक एवरीवन, करण सना वायरल एवरीवन, यू आर द बेस्ट. माय फ्रेंड्स ध्रुवल पटेल एंड जिगर मुलानी, उन्होंने बहुत अच्छा गाना शूट किया है और बहुत मेहनत करी है गाने के पीछे, लोकेशन से लेकर हर चीज को लेकर, और बहुत खूबसूरत बनाया. We do just pictures and pictures ke baad lunch is served guys, you can have lunch. Bye bye bye, sab log aadiyo chalo.